बोली खजराज श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा इष्टोपदेश पर चल रही है। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर रभावे कृत्सन कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। किसको नमस्कार किया है? परमात्मा को। कौन सी आत्मा को? परम आत्मा को। परम आत्मा की क्या विशेषताएं हैं? जिनके आठों कर्मों का नाश हो चुका है। रभावे कृत्सन कर्मणा, आठों कर्मों का अभाव जिनका हो गया है, केवल ज्ञान स्वरूपी हैं, उनको क्या किया है? नमस्कार किया है। नमस्कार कौन करता है? देवता भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, त्रयंच भी करते हैं, और नरक में ज्ञान हो जाए तो नारकी भी करते हैं। नमस्कार चारों गति के जीव करते हैं। नमस्कार करने में कई कारण होते हैं। अब आप लोग हैं, एक दूसरे को जय जिनेन्द्र करते हो, है ना? ये भी नमस्कार की एक परंपरा है। लिया तो भगवान का नाम है, लेकिन सम्मान किया सामने वाले का है। और मात्र जैनी नहीं करते हैं, जैनी के अलावा जितने भी जीव होते हैं, जितने भी संसार में मनुष्य हैं, सब करते हैं। अब आप देखो, पंजाब में बोलते सत श्री अकाल, मथुरा में बोलते राधे राधे, हैं, और अयोध्या में बोलते हैं राम राम, कहीं बोलते हैं सीता राम, कहीं बोलते हैं राधे कृष्ण, हैं, करते सब हैं। अब जहाँ पर जिनके पास भगवान नहीं है, तो उन्हें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैं, और गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, उन्होंने अपना अपनी परंपरा दिन के हिसाब से बना ली, गुड कर लिया, हैं। इवनिंग को क्या कह दिया? गुड इवनिंग। कौन सी इवनिंग? गुड इवनिंग। नाइट को क्या कह दिया? गुड नाइट, यानी तुम्हारी नाइट अच्छी हो जाए। सामने वाले के प्रति भावनाएं भादी कि नाइट अच्छी हो जाए, गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह तुम्हारी सुबह अच्छी हो जाए, उनका मंगलाचरण यही है, उनकी नमस्कार की परंपरा यही है। लेकिन करते सब हैं, भाषा अलग अलग हो सकती है, हैं, एमपी साइड में जुहार करते जुहार साहब, जुहार करते कई लोग, तो परंपरा अलग अलग हैं, लेकिन भाव सबके एक हैं कि सामने वाले का सम्मान करना, सामने वाले की विनय करना। भगवान की विनय भक्ति में करी, सामने वाले की विनय उसके गुणों के प्रति करी। सामने वाले से रिश्ता बनाए रखना है, अब वो रिश्ता कैसे बनाए रखा जाए, कैसे उन संबंधों में प्रेम रहे, कैसे हमारी विनय उनके पास पहुँचे, तो एक शब्द बना लिया और उस शब्द का प्रयोग करके सामने वाले के हाथ जोड़ लिए, जय जिनेन्द्र। अब कि तुमने किया तो जय जिनेन्द्र, यानी जिनेन्द्र भगवान की जय हो, और हाथ जोड़े सामने वाले के, सामने वाला खुश हो गया, ओहो बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा आदमी, जब भी जाओ जय जिनेन्द्र करता है,
जब भी मोबाइल पे बात करो जय सुरेंद्र करता है, सामने वाला खुश हो गया। अब रिश्ते तो थे लेकिन रिश्तों में मधुरता आ गई। क्या आ गई? मधुरता आ गई। क्या करने से? जय जिनेन्द्र करने से। क्या करने से? जय जिनेन्द्र करने से रिश्तों में मधुरता आ गई, रिश्तों में अपनापन आ गया। अरे जब भी जाओ ना, वो जय जिनेन्द्र करता है। अब बाकी करता कौन है? कोई अपने होते ना वही करते हैं। अरे वो तो बहुत अच्छे से जय जिनेन्द्र करता है। यानी आपने कुछ नहीं किया उसके लिए, केवल एक जय जिनेन्द्र करी और उसके माध्यम से आपने उसके दिल में प्रवेश कर लिया एक जय जिनेन्द्र से। तो विनय, नमस्कार, कहीं कहीं नमस्ते करते हैं, नमः ते, नमः, नमस्ते, जो सा आया है बीच में इसका हलंत था। क्या था? हलंत था। नमः ते, ते यानी तुम्हें, ते यानी तुम्हें, नमः यानी नमस्कार, तुम्हें नमस्कार है। तो हम नमः ते शब्द का जो सा शब्द था इसको हलंत को सा बना दिया है, तो ये बन गया नमस्ते, तुम्हें नमस्कार है। तो नमस्कार किया। अब हर कार्य के दो कारण होते हैं। कितने? दो कारण हैं। यदि एक छोटा सा भी काम हो रहा है तो एक कारण से नहीं होगा, दो कारण तो होंगे ही होंगे। एक कारण अंतरंग और एक कारण बहिरंग। दो कारण, अंतरंग कारण हमारी अपनी उपादान शक्ति और बहिरंग कारण निमित्त, सामने वाला। यदि हम देख भी रहे हैं सामने, तो देखने के लिए उजाला चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना, देखने के लिए उजाला चाहिए। बिना उजाले के देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते, बहिरंग कारण। अंतरंग कारण, हमारी आँख में देखने की शक्ति होनी चाहिए। यदि हमारे आँख में देखने की शक्ति नहीं है तो बाहर एक नहीं हजारों सूरज निकल जाएं तो भी हम देख नहीं सकते हैं। तो एक देखने मात्र में दो कारण की जरूरत पड़ी, एक अंतरंग एक बहिरंग। जब दोनों कारण मिल जाते हैं तब काम होता है, जब दोनों कारण मिल जाते हैं तब काम होता है। ऐसे ही हमने सामने वाले को नमस्कार किया तो उसका एक कारण होगा अंतरंग और एक कारण होगा बहिरंग। अब उसमें हमारे भगवान हैं। यदि हमने भगवान को नमस्कार किया है तो नमस्कार करने में पहले अंतरंग कारण होगा। कौन सा कारण होगा? अंतरंग कारण होगा। तुमने भगवान को नमस्कार क्यों किया? भगवान को नमस्कार अभी आप करके आए हैं, आपने नमस्कार क्यों किया भगवान को? श्रद्धा। क्या कारण है? श्रद्धा। भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, ये अंतरंग कारण है। और भगवान की प्रतिमा सामने विराजमान है और हमने हाथ जोड़ लिए, ये बहिरंग कारण है। आप दिन भर बाहर दिन भर यूं यूं तो नहीं करते हो? क्यों भाई? भगवान याद तो मन में आ रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे हो? सामने निमित्त नहीं है प्रतिमा का। वो निमित्त कहाँ मिला? मंदिर में आकर मिला। वो निमित्त कहाँ मिला? मंदिर में आकर मिला। जैसे ही मंदिर में आए, ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणम नमोस्तारम शुरू हो गया। तो अंतरंग में भक्ति और बहिरंग में जिनालय का निमित्त, ये दोनों कारण मिलने पर नमस्कार पूरा हो गया। यदि अंतरंग में भक्ति है मगर सामने निमित्त नहीं मिल रहा है तो भी अभी काम पूरा नहीं हुआ। तो किसी भी काम को करने में अंतरंग और बहिरंग दो कारण होते हैं। अब सामने वाले को आप जय जिनेन्द्र भी करते हो तो बिना कारण करते हो क्या? थोड़ा सा बढ़ाना इसको। यदि सामने वाले को जय जिनेन्द्र भी आपने किया तो बिना कारण किया क्या? या तो आपके पहचान का होगा, कोई गांव वाला होगा, है समाज वाला होगा, या मित्र होगा आपका, कुछ तो होगा, तभी तो आपने जय जिनेन्द्र किया है। बिना उसके तो जय जिनेन्द्र नहीं किया ना। या तो राग में किया या द्वेष में किया, दो कारणों से जय जिनेन्द्र होता है।
कितने कारण? दो कारण। दो कारण कौन से? या तो राग, परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, राग है उनसे, उनसे हम संबंध बनाए रखना चाहते हैं, उनसे संबंध टूट ना जाएं, इसलिए हम जैजनेन्द्र करके उनकी विनय करते हैं, इसलिए जैजनेन्द्र करके हम उनका सम्मान करते हैं, उनसे फ़ोन पे भी बात करते हैं तो जैजनेन्द्र करते हैं। ये राग का कारण हो गया। दूसरा कारण द्वेष का। द्वेष के कारण जैजनेन्द्र हो सकती कि नहीं हो सकती? सामने वाला तुमसे शक्तिमान है, सामने वाला तुमसे बलवान है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी जैजनेन्द्र करते हो, क्यों भाई? बिगाड़ना नहीं इससे हैं, अभी इससे बिगाड़ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो इसीलिए भाई जैजनेन्द्र करके बनाए रखो उसको। हम ज़्यादा कुछ तो कर नहीं रहे हैं, केवल जैजनेन्द्र ही तो करना है, तो तुमने द्वेष में कर लिया। अब जहाँ अति राग और अति द्वेष होता है वहाँ पर ये क्रिया बंद हो जाती है। क्या कहा मैंने? जहाँ पर अति राग और अति द्वेष दो चीज़ें हों वहाँ पर विनय खत्म हो जाती है, वहाँ मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं। अब आप लोग इतने लोग बैठे हो घर में, सो के उठ के अपने घर वालों से जैजनेन्द्र कौन कौन करता है? हाथ उठाकर बताओ। एक, वो भी आपके परिवार के हैं। बेटा आके कर लेता होगा तो माँ भी कर लेती होगी। हाँ, तो माँ ने भी हाथ उठा लिया, बेटे ने भी हाथ उठा लिया, लेकिन बेटे के बेटे ने हाथ नहीं उठाया है। बेटे के बेटे ने हाथ नहीं उठाया मतलब मामला गड़बड़ है। तो इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें से केवल एक व्यक्ति का हाथ उठा है कि मैं जैजनेन्द्र करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या कहा? अति राग हो तो भी जैजनेन्द्र और सम्मान खत्म हो जाता है, और सम्मान जहाँ खत्म हो जाता है वहीं कलेश का कारण बनता है, वहीं लड़ाई का कारण बनता है। इसीलिए इस परंपरा को, चाहे अति राग हो चाहे अति द्वेष हो, जैजनेन्द्र की परंपरा को छोड़ना नहीं चाहिए। जैजनेन्द्र जरूर करना चाहिए हैं। सबसे पहले तो जब उठते हो सोके तो भाई बहन जैजनेन्द्र, पति पत्नी जैजनेन्द्र करना चाहिए कि नहीं? अच्छा चलो आपसे ही पूछती हूँ, करना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना? जैसे कि आचार्य महाराज हैं, उन्होंने स्टोपदेश ग्रंथ में, उन्हें लिखना है स्टोपदेश ग्रंथ लिखना है, तो सबसे पहले उन्होंने मंगलाचरण किया है और मंगलाचरण में नमस्कार किया है। तो हम भी जब सुबह की शुरुआत करें तो क्या बिना मंगलाचरण के होनी चाहिए? अरे बोलिए ना, होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए। तो जैजनेन्द्र आपस में परिवार में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बोलिए ना, हैं, करेंगे? अच्छा चलो, आपने गर्दन तो हिला दी है, हाथ और उठवा लो। एक महीने का नियम है, एक महीने का, हाँ एक महीने के लिए हाथ उठा लिया, उठाइए उठाइए, आप भी उठाइए। जब पति ने उठा लिया तो पत्नी क्यों नहीं उठा रही है? क्या नहीं? नहीं, सबसे पहले इनसे जैजनेन्द्र करनी है तुम्हें। हाँ, जिनसे लड़ाई होती है उनसे सबसे पहले जैजनेन्द्र करनी है। जिनसे आपस में मित्रता होती ना, उनसे तो आदमी क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। और जिनसे आदमी के मन नहीं मिलता है, जिनसे आदमी का मामला गड़बड़ रहता है, उसको नहीं करता, देखता भी नहीं उसकी तरफ, देखता भी नहीं है, कहीं बोलना ना पड़ जाए, आंखें मिल जाएंगी तो बोलना पड़ेगा, उसकी तरफ देखता ही नहीं है। जबकि सही क्षमा तो उसी से मांगनी है और उसी को छोड़ देता है। जहाँ गांठ पड़ी है वो गांठ को ही छोड़ देता है, वो ही नहीं खोलता है, बाकी सब कर लेता है। तो जिस व्यक्ति से तुम्हारा मन नहीं मिलता है उससे तो जैजनेन्द्र जरूर करनी ही करनी है, और जिससे मन मिलता है उससे भी करनी है। तो घर में, परिवार में सुबह सोकर उठ के सबसे पहले मुंह को यदि भगवान का नाम लिवाना है,
कि मुंह से भगवान का नाम निकले तो अब वो या तो आप नमोकार मंत्र पढ़ो सुबह सुबह सो के उठ के नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम ऐसे बोल के पढ़ो नमोकार मंत्र, और यदि नहीं तो आप जय जिनेन्द्र बोल करके भगवान को याद कर सकते हो और सुबह का मंगलाचरण कर सकते हो। सामने वाले की विनय बाद में होगी, तुम्हारा मंगलाचरण पहले हो जाए। तो इसलिए ये आदत बच्चों में भी डालें। अभी मैंने आपको एक दिन और बीच में कहा था कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो जय जिनेन्द्र, स्कूल से वापस आएं तो जय जिनेन्द्र, पति यदि दुकान जा रहा है तो जय जिनेन्द्र, लौट के आए तो पहले जय जिनेन्द्र, काम पे जा रहा है तो जय जिनेन्द्र, लौट के आए तो पहले जय जिनेन्द्र, बाद में अपनी बातचीत शुरू करें। यदि आप बिना मंगलाचरण, मंगलाचरण का मतलब क्या है कि आने वाली विपत्तियों को, आने वाले कष्टों को, कलेश को दूर करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण करने से पाप का नाश होता है, पुण्य का प्रकाश होता है। मंगलाचरण करने से धर्म की वृद्धि होती है, मंगलाचरण करने से आत्मा पवित्र होती है। इसीलिए आप बड़ा मंगलाचरण नहीं कर सकते हैं कि भाई जैसे कि नमाश्री समय सारा है, आप बड़ा मंगलाचरण नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी ग्रंथ को उठाओ तो हर में मंगलाचरण मिलेगा। जब हमारे आचार्य मंगलाचरण करते हैं तो उनके भक्तों को क्यों नहीं मंगलाचरण करना चाहिए? भक्त कौन कहलाते हैं? है? जो जो गुरु ने किया है थोड़ा थोड़ा तुम भी करो। अब आप कोई ग्रंथ उठाओ, आप रत्नकरण श्रापकाचार उठाओ, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पण आए थे। समय सार को उठाओ, नमः जो टीका है, टीका का मंगलाचरण है, नमः श्री समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। यदि आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने भी समय सार ग्रंथ लिखा है तो उसमें भी सबसे पहले मंगलाचरण लिखा है, वंदितु सव्य सिद्धे धूमचल मणव मणोवम गयम पत्ते वो छामी समय सारम वो छामी समय पाहुट मिणमो सुई केवली भरियम। उन्होंने भी मंगलाचरण लिखा है। आप द्रव्य संग्रह उठाओ, जीव मजीवम दब्बम चिणवर वसहण जैन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदेतम सव्यदा सिरसा, उसमें भी मंगलाचरण है। आप तत्वार्थ सूत्र को देखो, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेदतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। आप कोई शास्त्र उठाकर देख लो, ऐसा कोई शास्त्र नहीं होगा जिसमें मंगलाचरण ना हो। जब हमारे आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी परमात्मा को नमस्कार करके अपने कार्य, अपने ज्ञान की, अपने शास्त्र की शुरुआत करते हैं तो इंसान उनके जो भक्त हैं उनको भी अपने कार्य का प्रारंभ मंगलाचरण से ही करना चाहिए। अरे बोलिए ना, करना चाहिए कि नहीं? अच्छा हाँ और ना में जवाब दो। अच्छा आप करेंगे कि नहीं करेंगे? अब एक महीने का तो नियम माता जी आपने दे दिया है, जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी एक महीने का तो नियम ले ही लें कि अपने घर वालों से जय जिनेन्द्र करेंगे। अब इसमें हम ये देखें कि जो बाहर किया जाता है या अंदर मंदिर में किया जाता है नमस्कार करने में कषाय काम करती कि नहीं करती है? भाई देखो, भगवान के प्रति भक्ति है तो किया है, संसारियों के प्रति राग है या द्वेष है तो किया है। अब इसमें राग और द्वेष में चार कषाय कैसे समाहित करें? अब सब लोग खड़े हैं, अब मान लो आप किसी ऐसे मंदिर में पहुंच गए कि जहां पर आप पहले कभी नहीं गए थे और आपकी श्रद्धा में वो चीज़ है ही नहीं है, अब लेकिन वहां सारे लोग खड़े हैं, अब आप क्या करोगे? हाथ जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? अरे बोलिए ना, अब सब लोग साथ में जोड़ रहे हैं, जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? अंदर में भाव नहीं है लेकिन मान कषाय है, सब जोड़ रहे हैं इसलिए जोड़ लिया। इसमें मायाचारी भी हो सकती है, अंदर में भाव नहीं है नमस्कार के, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, अरे महाराज बस आपके पास आके तो बड़ा अच्छा लगता है और अंदर में भाव है नहीं, लेकिन अंदर में कौन सी कषाय काम कर रही है?
मायाचारी, अंदर में तो तुम ऐसे नमस्कार करके आए हो कि जैसे उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, और बाहर आके हमें पता है महाराज कैसे हैं, बस हम जानते हैं, हम ही से पूछो। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता है? ऐसे ही होता है। ओहो हैं, जहाँ श्रद्धा में कमी आ जाती है वहाँ फिर नमस्कार तो होता है, मगर मायाचारी वाला नमस्कार होता है, क्योंकि अटै कौनी पटै कौनी और थारे बिना सटै कौनी, अटती नहीं पटती नहीं और थारे बिना सटती नहीं, इसलिए करना भी पड़ेगा। लेकिन संस्कार ने काम किया, यहाँ पर भले मायाचारी काम कर रही है लेकिन संस्कार आपके काम कर रहे हैं। इसके बाद लोभ में नमस्कार होता है कि नहीं होता? अरे वहाँ चले जाना, वहाँ जाओगे तो तुम्हारा काम बन ही जाएगा, बस एक बार जाके धोख दे तो सही। वहाँ धोख देने वाले के सारे काम बन जाते हैं। अब तुम वहाँ चले भी गए और तुमने वहाँ धोख दे भी ली, अब ये धोख कौन सी वाली है, भक्ति वाली है या लोभ वाली है? अरे बोलिए ना, आप तो मुस्कुरा रहे हैं, बोला नहीं जा रहा, क्यों क्या बात है, आप भी ऐसे ही करते हो क्या? हे भगवान सब जीवन को सुख बढ़े, आनंद मंगल हो, हैं सुख देना दुख मिटना यही तुम्हारी वाण, भगवान आपका काम है सुख देना और दुख को मिटना, आप अपना काम करो, हमारा काम हाथ जोड़ने का है, हमने अपना काम कर लिया है। बताइए ये नमस्कार भक्ति में हुआ क्या? नमस्कार में चमत्कार कब आता है? जब नमस्कार में भक्ति होती है, नमस्कार में भक्ति की प्रगाढ़ता होती है, भक्ति की पवित्रता होती है। गुणेशु अनुरागा भक्ति, भक्ति कहते किसे हैं? भक्ति की क्या परिभाषा है? गुणों में होने वाले अनुराग को भक्ति कहते हैं। अब आप मंदिर आते हो, हम आपसे पूछ रहे हैं आप कब से मंदिर आ रहे हो? 50 साल से, 60 साल से, बस इतने वाले बैठे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 70 वाले तो अभी नहीं पहुँचे हैं, 60 साल वाले तक बैठे हैं आप, 60 साल से मंदिर आ रहे हो। आपसे हम पूछें कि भगवान के 2-4 गुणों का वर्णन करो, बताइए कर पाओगे क्या? भक्ति किसे कहते? गुणेशु अनुरागा भक्ति, गुणों में होने वाले अनुराग को भक्ति कहते हैं। अब हमने आपसे प्रश्न किया कि भगवान के 2-4 गुणों का वर्णन करिए, आप कर पाओगे भगवान के गुणों का वर्णन? तो फिर आप नमस्कार इतने दिन से क्यों हाथ जोड़े जा रहे हैं? जब गुण ही नहीं पता है आपको तो आप नमस्कार क्यों किए जा रहे हैं? वो हमारे ना मम्मी ने बताई थी कि भगवान जी हैं, ये बहुत बड़े होते हैं, इनको नमस्कार करना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं, हमारे कुल देवता हैं। ऐसा नमस्कार जो स्वर्ग के देवता होते हैं, वहाँ 2 तरह के भक्त होते हैं, स्वर्ग के देवता भगवान की भक्ति करते हैं तो 2 तरह के होते हैं। अष्टानी का पर्व पर नंदीश्वर दीप सब देव जाते हैं, एक जाते हैं सम्यक दृष्टि देव, जो भगवान को वीतरागी मान करके गुणों में अनुराग करते हुए वो नंदीश्वर दीप जाते हैं, और दूसरे जाते हैं, अरे हमारे कुल परंपरा में देवता क्या कह रहा है, हमारी कुल परंपरा में हमारे कुल देवता हैं वो, हम इसलिए नंदीश्वर दीप जाते हैं। नंदीश्वर दीप गए दोनों देव हैं, मगर एक गया है गुणों के अनुराग को लेकर और एक गया है कुल की परंपरा को लेकर। हम जैनी है ना इसलिए मंदिर जाते हैं, भाई जैन मंदिर क्यों जाते हैं? जैनी है ना हम इसलिए जैन मंदिर जाते हैं। अच्छा तो मतलब जैनी नहीं होते तो कोई भी मंदिर चले जाते? हम तो अभी भी चले जाते हैं कोई भी मंदिर, हमें तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सब मंदिर चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ तुम्हें अभी भगवान के गुणों का पता ही नहीं है, यहीं से विनय मिथ्यात्व शुरू हो जाता है, सब भगवान जी एक से हैं, अभी हमारी वास्तव में भक्ति जागृत नहीं हुई है। जब तक गुण नहीं पता होंगे, आप किसी भी व्यक्ति को कम मानते हो? आप किसी हीरो हीरोइन के फेवरेट आपके होंगे बहुत सारे, हमारा तो वो बहुत बड़ा, मैं उसका फैन हूँ, मैं वो मेरा फेवरेट है, किसी कोई क्रिकेटर का होगा, कोई नेता का होगा, तो
कारण क्या है कि आप उसके फैन बने, उसके गुणों को जाना, उसके काम को देखा, उसकी क्वालिटी को देखा, उसकी सुंदरता को देखा, तो आप उसके फैन बने। अब उससे कहा, आपसे कहा जाए कि उसके विषय में बोलिए, वहाँ 10 मिनट तो आप नॉन स्टॉप बोल लेंगे, अरे उसने वो पिक्चर में ऐसा काम किया है, अरे वो इतना बढ़िया काम करता है, उसकी आँखें ऐसी हैं, उसकी नाक ऐसी है, उसका पाँव ऐसा है, मतलब दुनिया भर के आप गुणगान कर दोगे। आपने उससे अनुराग राग कब किया? जब उसके गुणों का पता चला। आप भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं, क्यों रखते हैं? सराग देव देख मैं भला विशेष मानिया, स्वरूप जाही देख वीत राग तू पिछानिया, कछू न तो ही देख के जहां तू ही विषय किया है। ये क्या कहा है इसमें आचार्य मानतुंग स्वामी ने? इसमें ये कहा है, भगवान मैं संसार के सब देवों के पास गया, मैंने सब देवों को देखा, उनको देखना मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि मैं सब देवों के पास गया, फिर मैं आपके पास आया, लेकिन मेरा मन आप में संतुष्ट हो गया। यदि मैंने उन्हें नहीं देखा होता तो शायद मैं सोचता है आपसे भी बड़ा कोई और होगा, लेकिन आपको देखने के बाद ये पता चल गया कि आप जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो जो ये लाइन लिखी आचार्य मानतुंग स्वामी ने, तो उन्होंने यदि किसी के भी पास गए होंगे तो उसकी क्वालिटी को देखा होगा, उनके गुणों को देखा। यदि मैं इसे नमस्कार करता हूँ तो ये मेरे नमस्कार के लायक है या नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे स्तर से ऊपर है या नहीं है? कि मेरे पास भी परिवार, इनके पास भी परिवार, तो ये भगवान क्यों? भगवान तो वो हैं जो त्यागी हों, तपस्वी हों, कर्मों से रहित हों, आत्म ध्यान में लीन हों और हमसे बड़े हों। तो भगवान की क्वालिटी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो आपकी श्रद्धा मजबूत रह सकती है। और यदि आपको क्वालिटी का ज्ञान नहीं होगा, उनके गुणों का ज्ञान नहीं होगा, और कभी कोई बताएगा नहीं, अरे इनसे बढ़िया तो वो हैं, तुम एक मिनट में मान जाओगे, एक मिनट में तैयार हो जाओगे, हाँ मुझे भी लगता था कि इनमें तो कुछ करते तो है ही नहीं भगवान, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, पाँव पे पाँव धरे बैठे, तो काय के भगवान हैं, मुझे भी लग रहा था कुछ कुछ नहीं करते, हाँ वो ही भगवान बड़े होंगे। तुमने अभी तक वीत रागता को जाना नहीं, पहचाना नहीं, मात्र एक परंपरा जो तुम्हारे परिवार की थी आज तक केवल उसे ही निभाया है, इसलिए नमस्कार कर रहे हो। तो जिनको तुम नमस्कार कर रहे हो उनका ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जब इष्टोपदेश ग्रंथ में मंगलाचरण किया है तो गुण का वर्णन किया है। क्या किया है? गुण का वर्णन किया है, हैं? यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर, जिन्होंने स्वयं के द्वारा स्वयं को प्राप्त कर लिया है। किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा स्वयं को प्राप्त कर लिया है। रवावे कृत्सन कर्मणा, और जिनके कर्मों का अभाव हो गया है। पहला गुण था स्वयं के द्वारा स्वयं का अभाव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, और जिनके 8 कर्मों का अभाव हो गया है। तस्मै संज्ञान रूपाय, तस्मै उनको संज्ञान रूपाय, केवल ज्ञान स्वरूप जो भगवान है। तीसरा गुण कौन सा बता दिया? जो केवल ज्ञान स्वरूप है, संज्ञान रूपाय, जो केवल ज्ञान स्वरूप है, उनको नमोस्तु परमात्मा ने नमस्कार किया है। तो कैसे किया है? गुणों को याद करके किया, इन 3 गुणों को याद करके किया। जैसे तत्वार्थ सूत्र में कहा है ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता है, भेद तारम कर्म भूव्रताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और जो विश्व के समस्त तत्वों को जानते हैं, वंदे तद्गुण लब्धे, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए वंदे, वंदना करता हूँ। अब आप भगवान को नमस्कार करते हैं तो नमस्कार करते हुए क्या बोलते हैं बताइए? आप क्या गुणों का वर्णन करते हैं भगवान का? कौन से गुण हैं जिनको भाव में लाते हुए नमस्कार करते हैं आप कि हे भगवान आपको मेरा नमस्कार है? आपने कौन कौन से गुणों का वर्णन किया है?
कहना नहीं बस वो तो बस रोज आदत पड़ी है जाने की, और नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। आप तो अरिहंत को जानते ही नहीं हो, नमस्कार वहां तक पहुंचे कैसे? सिद्ध भगवान को जानते ही नहीं हो, आप सबको जानते हो केवल भगवान को नहीं जानते हो। इसीलिए मामला गड़बड़ हो रहा है, इसलिए हम चाहते हुए भी धर्म को अपने अंदर में नहीं ला पा रहे हैं। तो अपने अंदर में धर्म को लाने के लिए जरूरी है कि भगवान के गुणों का वर्णन पता हो। एक एक हम कह रहे ज्यादा नहीं, आप 10 गुण भी पता कर लो, 10 बहुत होते हैं। और एक एक गुण की गहराई में चले जाओ तो एक एक गुण पर एक एक किताब लिखी जा सकती है, एक एक गुण पर एक एक किताब लिखी जा सकती है। यदि एक गुण भी गहराई में पता चल गया तो फिर वो चैन बन जाएगी, एक गुण के साथ दूसरा अपने आप पता चलेगा, दूसरे के साथ तीसरा अपने आप पता चलेगा, और नमस्कार करने में भाव लगेंगे। अब आचार्य मानतुंग स्वामी ने नमस्कार किया, सम्यक प्रणम में जिन पाद युगम युगादा वालम वनम भवजले पतताम जनानाम, यानी जो संसार सागर में सबको अवलंबन देते हैं सम्यक प्रणम में, उनको मेरा सम्यक प्रणाम है, यानी मन वचन काय से प्रणाम है। एक बार कर लिया प्रणाम, अब उसके बाद बीच में फिर शुरू हो गए, तो भ्यम नमस्त्रि भुवनार्ति हराय नाथ, हे तीनों भवन के दुख को हरने वाले तुमको मेरा नमस्कार है। तो भ्यम नमा क्षिति तलामल भूषणाय, हे पृथ्वी तल के आभूषण आपको मेरा नमस्कार है। तो भ्यम नमस्त्रि जगता परमेश्वराय, हे तीनों जगत के परमेश्वर तुमको मेरा नमस्कार है। तो भ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय, हे संसार सागर का शोषण करने वाले तुमको मेरा नमस्कार है। यानी इन चार लाइनों में चार गुणों का वर्णन किया फिर नमस्कार किया। यदि सामने वाले को नमस्कार किया है तो उसके अंदर गुण देखे हैं। तुम नमस्कार करते हो, तुम क्या देखते हो? एक व्यवहार नमस्कार और एक निश्चय नमस्कार, दो तरह का नमस्कार होता है। वीत राग भावों से वीत रागी को नमस्कार, बात समझ में आई नहीं आई है? वीत राग भावों से वीत रागी को नमस्कार, और ठीक है हमारे भगवान जी हैं इसलिए नमस्कार, यह गुणों का वर्णन करते हुए नमस्कार कर रहे हैं, व्यवहार नमस्कार। तो ऐसे भावों से नमस्कार करने से अब इसका फल क्या है, नमस्कार का फल क्या है? जब तक फल ना पता हो ना तब तक मामला ढीला रहता है। इसका फल ये है, यदि भाव सहित नमस्कार किया जाए तो एक क्षण में अनंत पापों का नाश होता है। क्या होता है? रोज मंदिर जाते हैं फिर भी कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही है, कारण क्या है? भाव सहित नहीं हो रहा है। उस नमस्कार में चमत्कार कब आएगा? जब भाव सहित किया जाएगा, गुणों का वर्णन करते हुए किया जाएगा। तो इसीलिए जो ये मंगलाचरण है, मंगलाचरण नमस्कार से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? नमस्कार में। नमस्कार किसको किया है? जो हमसे बड़े हैं, जो ऊंचे हैं, नमस्कार जो ऊंचे हैं उनको किया। और कैसे किया जाता है? झुककर किया जाता। ऊंचे के सामने क्या होते हैं? झुका जाता है। ऊंचे के सामने झुकने से हम भी ऊंचे हो जाते हैं, झुकने से ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। और यदि ऊंचे के सामने अकड़ के खड़े रहो तो कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि बच्चा तुम्हारे चार चक्कर लगा ले, एक बेटा है और घंटी सुन ली उसने बाहर, आइसक्रीम वाला निकल रहा है, अब वो माँ बैठी काम कर रही है, अब बेटा आया मम्मी, फिर इधर से आया मम्मी, बड़े प्यार से मम्मी मम्मी कर रहा, अब बोल क्या चाहिए? मम्मी क्या कहेगी? बोल ले पैसे, आइसक्रीम वाला आ गया, जा खा ले। यदि एक बेटा माँ के प्रति समर्पित भावों से रहे तो उसे सब कुछ मिलता है, और यदि भक्त भगवान के प्रति गुणों के साथ समर्पित भावों से रहे तो उसे बहुत कुछ मिलता है। और जो पापों का नाश है ना, नमोकार मंत्र क्या है?
नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र से क्या होता है? पापों का नाश होता है, और पापों का नाश होता है और वही तो करना है। दुख कहाँ से आते हैं? पाप से आते हैं, हैं? तो पापों का नाश कहाँ से होता है? नमस्कार से होता है। देखो, बहुत बड़ा काम नहीं बताया पाप का नाश करने के लिए, तुमसे बहुत बड़ा काम नहीं करवाया, एक छोटा सा काम करवाया है। कौन सा काम करवाया है? भाव सहित नमस्कार। क्या करवाया है? भाव सहित नमस्कार। यदि भाव सहित नमस्कार कर लिया तो समझ लो। अरे ये बताओ, यदि नमस्कार आपने किया तो भगवान को कुछ मिला क्या? बोलिए, नहीं मिला। किसको मिला? हमें ही मिला। भगवान तो वीतरागी हैं, उन्हें कुछ लेना नहीं, उन्हें कुछ देना नहीं। तुम करो तो ठीक और नहीं करो तो ठीक, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जो कुछ होगा वो हमारे अंदर होगा। यदि तुम गुरुओं को नमस्कार करते हो तो तुम्हें गुरुओं को कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता। किसको मिला आशीर्वाद? किसको मिला? आपको ही मिला है। भगवान के सामने चावल चढ़ाते हो, भगवान उस चावल का उपयोग करते हैं क्या? नहीं। तो चावल चढ़ाने से किसको मिला? हमें ही मिला। मामला एक तरफा है मगर बड़ा जबरदस्त है। आपको लग रहा है कि भगवान को कुछ नहीं मिला, भगवान को वास्तव में कुछ मिला ही नहीं। मिला तो छोड़ो, वो लेना नहीं चाहते हैं। यदि लेना चाहते तो बहुत कुछ मिल जाता, लेकिन वो लेना ही वीतरागी है। ना उन्हें राग है, ना उन्हें द्वेष है, इसलिए लेने और देने का मामला खत्म हो गया है। लेने और देने का मामला वहाँ होता है जहाँ राग, अनुराग या द्वेष होता है। जहाँ संबंध होते हैं वहाँ पर लेने देने का मामला होता है। भगवान तो निज के द्वारा निज में इतने लीन हैं कि उन्हें जरूरत ही नहीं है। तो अपने घर में एक महीने तक आपस में एक दूसरे को जय जिनेन्द्र जरूर करनी है। स्वर्गों में इंद्र का, देवों में देवेंद्र का, और करने में जय जिनेन्द्र का, बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और करने में नमस्कार का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और करने में नमस्कार में अच्छे अच्छे भाव का, छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और भगवान के प्रति भाव भक्ति का। बोलिए चौबीसों भगवान की।